Hi friends, welcome back to the Pragmatic Lopa. सर्दियों के बाद हमें बेसब्री से स्प्रिंग यानी वसंत का इंतजार रहता है। उसे और भी इवेंटफुल बना देता है वैलेंटाइन्स ईव, जो मानो वसंत को वेलकम कर रहा हो। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों थीम को मिलाया जाए, जिसे वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने के साथ साथ कलरफुल फ्लावर से स्प्रिंग को भी सेलिब्रेट करें। इसीलिए आज के वीडियो में आप देखेंगे मैंने ये DIY, जो ऑल इन ऑल एक इनएक्सपेंसिव, आसान और जल्दी बनने वाला प्रोजेक्ट है। मैं पहले इन्फॉर्म कर देती हूँ, ये DIY मैंने पिछले साल के स्प्रिंग में बनाया था, जब यूट्यूब के लिए शूट नहीं करती थी। इसीलिए अब आपको दिखाने के लिए लगभग सब निकाल के वापस बना रही हूँ। तो चलिए हवा को दोनों फूलों की खुशबू और प्यार से भर दें। मैं चाहती हूँ मेरे घर के इस फीके कॉर्नर या दीवार को सटीक तरीके से कहूँ तो मेरे लॉन्ड्री एरिया के इस बेजान निराश दरवाजे के बदले एक इंटरेस्टिंग और अपना प्यारा सा स्पेस क्रिएट करना चाहती हूँ। आप देख ही सकते हैं, यहाँ ये दो दरवाजे और दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो टोटल मुझे इन चारों पे काम करना होगा। यहाँ मेरा गोल है इस दरवाजे पे चारों पार्ट्स को मिलाते हुए सेंटर पे एक हार्ट क्रिएट करूं। पहले दरवाजे पे पेंसिल से बॉर्डर मार्क करें, जो पिक्चर्स चिपकाने में गाइड करेगा, और बाद में आप इसे मिटा भी सकते हैं। इस हार्ट शेप के लिए या तो आप सिंपली बॉर्डर के अंदर सेलोफेन टेप यूज करके फोटोज चिपकाएं, या अंत में इन पिक्स को अलग तरीके से यूज करना चाहती हूँ। इसलिए दो पोस्टर शीट्स या चार्ट पेपर लें, अपनी प्रेफरेंस के कोई भी कलर का। मैंने व्हाइट यूज किया, अभी फिलहाल नया नहीं है, इसलिए ये कुछ बचे हुए पीसेस हैं मेरे पहले के प्रोजेक्ट से। पर आपको प्रोसीजर दिखाने के लिए ये दो प्लेन व्हाइट पेपर का इस्तेमाल करूंगी। दोनों को बराबर रखें, फिर पेंसिल से फ्री हैंड में हार्ट का एक हाफ बनाएं। हो जाने पर कैंची से काट दें। ध्यान रखें काटते वक्त दोनों पेपर बराबर ही रहें, ताकि एक ही बार में हमें हार्ट के दोनों साइड्स मिल जाएं। अब रैंडमली पिक्चर्स अपने मन पसंद पैटर्न में रख दें। लुक से संतुष्ट होने पर सेलोफेन टेप से चिपका दें और बीच के गैप्स में इमोजी बनाएं, अलग अलग साइजेस में गैप के साइज पे डिपेंड करते हुए। इसी तरह दोनों साइज के गैप्स भर दें। अगर इमोजी बनाना मुश्किल हो तो फोन स्क्रॉल करके देखें। अगर हार्ट या इमोजी स्टिकर्स हो तो जरूर यूज करें, जो ज्यादा आसान होगा, या मेरी तरह कलर करें, या तो इन कलर्ड पेन या मार्कर से, जो आसान होगा इन एक्रिलिक कलर्स को यूज करने से। मैं इन दोनों ऑप्शंस का यूज करूंगी, क्योंकि मेरे पास फिलहाल येलो और व्हाइट कलर पेन नहीं है। पहले ब्रश से सारे इमोजीज को येलो एक्रिलिक पेन से कलर करें, सूखने पर फिर व्हाइट एक्रिलिक पेन से आंखें और दांत कलर करें, सूखने पर ब्लैक कलर पेन से बॉर्डर को आउटलाइन करें, आईब्रोज और दूसरे फेशियल फीचर्स बनाएं, और लाल कलर पेन से किसेस और आंखें। इसी तरह दोनों साइड के इमोजीज बनाएं, और सब हो जाने पर ये रहा इसका अल्टीमेट लुक। आप देख सकते हैं इमोजीज के कितने वैरायटी का इस्तेमाल किया गया है, जो बड़े सुंदर तरीके से जिंदगी या किसी भी रिलेशनशिप के उतार चढ़ाव अपने ही तरीके से बयां करते हैं, जो जाहिर से सिर्फ खुशियों से भरे नहीं होते। अब या तो डबल साइडेड टेप यूज करें, या अगर नहीं है तो मेरी तरह बस सेलोफेन टेप को रोल करें और चिपकाने वाला साइड बाहर ही रखें। बॉर्डर्स पर अलाइन करें और पूरे दरवाजे पे चिपका दें। पहले जब चिपकाया था दोनों तरफ ये हार्ट के एक साइड का सिंगल पीस ही था, पर इस गैप में एक्सैक्टो नाइफ को पास करवाना पड़ा आगे और दो में डिवाइड करने के लिए, ताकि ये दरवाजे को आसानी से यूज कर सकूं। अपने रेगुलर डोर के लिए ये स्टेप स्किप करें। इसी तरह दूसरे साइड भी रिपीट करें। आप इसी स्टेप पे खत्म कर सकते हैं, पर मैं इन
कलर्ड स्ट्रिंग लाइट से एक लाइटिंग इफेक्ट ऐड करना चाहती थी क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी था। आप कोई सिंगल कलर लाइट्स या अपनी पसंद का कोई भी यूज करें। इन थंब टैग्स को डोर के वुडन फ्रेम में पुश करें और लाइट्स को पूरे दरवाजे पे इन थंब टैग्स के ऊपर से होते हुए अलाइन करें। लाइट लगाने पर इस तरह से दिखेगा। अब या तो आप इसी स्टेप पे छोड़ दें, पर मैं एक सादा रस्टिक लुक ऐड करना चाहती थी। इसके लिए मैंने ये बल्लैप रिबन यूज किया। आप किसी भी चौड़ाई का यूज कर सकते हैं, पर थोड़ा पतला हो तो अच्छा होगा स्ट्रिंग लाइट्स के चारों ओर रैप करने के लिए। इसीलिए बड़े को छोटे छोटे दो हाफ में काट दें। अब इस बल्लैप को स्ट्रिंग लाइट्स पे रैप करें। पहले बेस को सेलोफेन टेप से सिक्योर कर दें और इन छोटे बल्ब्स को बल्लैप में से बाहर कर दें। इसी तरह पूरे स्ट्रिंग लाइट्स में रैप कर दें। अब या तो दो बल्लैप रिबन्स को जोड़ने या एंड के लिए भी सेलोफेन टेप से सील कर दें। सब हो जाने पर बॉर्डर पे अलाइन कर दें और बर्लैप में से थंब टैग से वुडन फ्रेम में पुश कर दें। इसी तरह पूरे डोर में कंटिन्यू करें। सब हो जाने पर ये ऐसा दिखेगा। और स्प्रिंग इफेक्ट के लिए ये फेक प्लास्टिक्स लिए। ध्यान से हर एक फूल के साथ एक पत्ता अलग कर दें। सारा हो जाने पर इन सेफ्टी पिंस का इस्तेमाल करके एक फूल और एक पत्ता को एक सेट में जोड़ लें। इस फूल के सेट को आप बेशक हॉट ग्लू से चिपका सकते हैं, पर मैं ये पिंस प्रिफर करती हूँ ताकि जब मैं इस लुक से बोर हो जाऊँ तो इस बर्लैप और ये फेक फूल किसी और प्रोजेक्ट में रीयूज कर सकूँ। इसी तरह बाकी फूलों को भी सेट बना लें और अलग रख दें जिनको हम बर्लैप में पिन करेंगे। पहले लोकेशन फाइनल करें जहां पिन लगाना है। पिन खोलने पर ध्यान से बर्लैप पे उसी जगह पिन कर दें। इसी तरह एक के बाद एक सारे फूलों के सेट कुछ गैप रख के पिन से जोड़ दें। अगर आप चाहें तो इसी तरह दो और तीन फूलों के सेट को एक साथ लगा सकते हैं। और फाइनली सब हो जाने पर ये इस तरह दिखेगा। कुछ टाइम बाद, जैसे कुछ दिन या हफ्तों बाद, आप इन फूलों के अरेंजमेंट को चेंज करके एक अलग लुक दे सकते हैं। ऊपर के कॉर्नर पे रैंडमली ऐसे बहुत सारे फूलों के सेट को एक साथ पिन करके इसी तरह दोनों तरफ करें। रस्टिक लुक को और बढ़ाने के लिए मैंने बर्लैप के ऐसे कुछ सिंगल स्ट्रैंड्स ऊपर से हैंग किया। अब आप एंजॉय करें आपका अपना पर्सनलाइज कॉर्नर और वो भी स्प्रिंग के स्पार्क्स के साथ। आई होप आपको मेरा ये अटेम्प्ट अच्छा लगा हो। अगर हाँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर अभी तक नहीं किया, और इस बेल नोटिफिकेशन बटन को भी हिट जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस ना मिस करें। अगर मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानना है तो मुझे मेरे सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। याद से मेरे चैनल के दूसरे रूम डेकोर वीडियो जरूर चेक कीजिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।